होली के दिन में मुझे ये सब करना पड़ रहा है, क्या करूँ, टाइम ही नहीं मिला मुझे। तो सुबह सुबह हम लग गए हैं, लक्ष्य भी लगा हुआ, आयुषी भी लगी हुई, हस्बैंड जी चल गए हैं ऑफिस। तो अच्छा नहीं लगता ना, घर कचरा कचरा सा। तो अंदर वाला रूम को मैंने झाड़ लिया ऊपर पर, और बस वाला रूम को थोड़ा थोड़ा झाड़ देते हैं। और लक्ष्य मेरी मदद कर रहा है, जितने भी बर्तन वगैरह सब बाहर में लेके रख रहा है, अभी तो फिलहाल बिलो कर रहा है। तो हम बच्चे मतलब माँ बेटे सब फिर से कर लेंगे। बहुत ज्यादा गंदा हुआ था, सच बता दी, बहुत ही ज्यादा। घर साफ सुथरा ना तो कुछ चीज अच्छा नहीं लगता। सब कुछ काम का है कि नहीं? नहीं है तो नीचे फेंक दीजिए, हम ले लेंगे। पूरा गंदा हुआ था रेक, तो पूरा को मैंने झाड़ा हुआ है। इधर देखिए लक्ष्य अभी काम कर रहा है, देखिए कैसे झूल रहा, देख रहे। और अंदर वाला रूम को मैं अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए पूरा पड़ा हुआ है, ऊपर ऊपर पूरा मैंने झाड़ लिया, बहुत ज्यादा गंदा हुआ था। और इधर का रेक भी मैंने काफी जाले लगे हुए थे, सभी को साफ किया। बस ये पूजा वाला रेक बाकी है, और यहाँ सारा बिछौना उछना सब पड़ा हुआ, सभी को धोना है मुझे। और इधर का रेक भी पूरा मैंने साफ कर दिया है। अभी नीचे कुछ साफ नहीं की हूँ, सब झाड़ू पोछा लगाना है, बर्तन बासन कुछ नहीं की हूँ। इधर का देखिए रेक पूरा कचरा है, यहाँ से उधर तक मैंने झाड़ लिया है। दीवार वाल सब सीढ़ी है नहीं तो कुर्सी से ही लगा के झाड़ रहे हैं, सीढ़ी हस्बैंड जी दुकान ले गए हैं। बस उधर का है थोड़ा बहुत, वो अभी साफ करना है। तो फैमिली चलिए आप ब्लॉग में बने रहिए, मैं फटाफट से साफ कर लेती हूँ, फिर आगे आप लोगों को मिलती हूँ ब्लॉग में। झाड़ू पोछा सारा कुछ आज करना है। मम्मी बाहर आंगन को गोबर दे रहे हैं, क्योंकि आज पूजा भी रखाना है, पूर्णिमा है, तो पूजा भी करवाना है। कोशिश करूंगी शाम तक वीडियो अपलोड करने का, और देखते हैं कैसे क्या होता है। और आप सभी को हैप्पी होली, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मम्मी बोल दो हैप्पी होली। हाँ, ऐसे बाहर में खेल रही है, तो हम जल्दी से माँ बेटा मिल के फटाफट से काम कर लेते हैं। देखिए फैमिली कितना सारा कचरा निकला है, आधा बाहर है, रूम सब साफ हो गया है, टाइम भी बहुत तेजी से भाग रहा है। और मुझे अभी घर के पोछने हैं, सबको निकाल देती हूँ पहले। ए मां मोती सब मत निकालिए। बहुत ज्यादा कचरा होगा घर, बहुत ज्यादा, बहुत दिन के बाद सफाई की। ऐसी मोती दिख रहे, उठाओ। बड़ा बड़ा प्लास्टिक सब सब कहाँ दिए? ओ उसको हम खेलने लगे। इधर देखिए पानी में ले आई हूँ, लाइजोल इसमें डाली हूँ, तो लाइजोल से अच्छा होता है घर पोछना, तो लाइजोल डाल दी हूँ। और थक गई काफी सफाई करते करते, जाते फटाफट से घर पहुंच लेते, दिखाते मैं आप लोगों को बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चे इधर खेल रहे हैं, पानी से इनका खेल शुरू हो गया है। देख रहे खाली पानी से खेल रहे हैं, देखिए कभी। घर का सारा कुछ काम हम करके पूजा करवाना, पूजा जब करके फिर मैं होली का कुछ तैयारी नहीं की हूँ। इस बार तो दो दिन हो रहा सारा कुछ, अभी गुजिया दही बड़ा वो सब का तैयारी मुझे करना है, तो काफ़ी परेशान होने वाली हूँ अकेले। और उधर आज किचन का मोर्चा मम्मी जी संभाले हुए हैं, खाना वाना बना रहे हैं, मेरे हस्बैंड जी का तो आज फास्ट है, तो देखते हैं कैसे क्या होता सारा कुछ। बस होली से पहले मैं गुजिया का रेसिपी शेयर नहीं कर सकी, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, नहीं टाइम मिल पाया। और आज ही सब कुछ मुझे करना है, तैयारी करना है, तो ये सब होगा, वीडियो अपलोड होगा। चलिए मैं फटाफट से थोड़ा सा काम है, झाड़ू पोछा करके नहा लेती हूँ, बच्चों को भी नहला देती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो फैमिली यहाँ नहा लिए हैं, और हस्बैंड जी अभी काम में फंस गए हैं ऑफिस में, 11:30 बज गए, अभी तक आए नहीं है। और मैं अभी प्रसाद नहीं बनाई हूँ, अभी आप बिना देखे घर में पूजा पाठ सबसे पहले करूंगी, और उसके बाद फिर पंडित जी को बुलाएंगे। प्रसादी सब ले आए हैं, सब झोला में है,
ऐसे सभी को नमस्ते बोलो, हैप्पी होली बोलो, सभी को नमस्ते, सभी को हैप्पी होली। लक्ष को भी नहला दिए, लोग पूरा मस्ती किए हैं, पानी में पूरा खेले हैं, अभी आंगन तरफ में भी सब देना है अल्पिना, और शाम को तो हम लोग रंग लगाएंगे। बस हस्बैंड जी का ही वेट हो रहा है, काफी लेट भी हो गया, मुझे विजय भी बनाना, देखते हैं कब तक होता है। हाँ, कल असली होली होगा। तो उधर का सारा काम हो गया है, प्रसाद वगैरह रेडी हो गए हैं, यहाँ पूड़ियाँ भी मैंने तल ली है, अभी प्रसाद आटे का सीढ़ी अभी बन गया है, और हस्बैंड जी आ गए हैं नहा के, लक्ष्य के साथ केला पत्ता तोड़ रहे हैं, उधर घर में तोरण टांग रहे हैं, उधर का काम वो संभाल रहे हैं। तो बस अभी मैं थोड़ा सा प्रसाद में चढ़ाने के लिए खीर तो नहीं बनाई हूँ, सूजी का हलवा बना रही हूँ, हलवा पूरी भी चढ़ता है, ऐसे तो कुछ नहीं रहता तो दही पूरी भी आप चढ़ा सकते हैं। जल्दी जल्दी से यहाँ पर बस हलवा बन जाएगा और प्रसाद कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद पंडित जी आएंगे। सारा तैयारी हो गया है, पंडित जी को देने के लिए भी यहाँ पर सारा कुछ ले आई हूँ मैं, इधर प्रसाद है, बस दूध लाना बाकी है, और इधर हस्बैंड जी सारा तैयारी कर दिए हैं। आंगन में भी दे दिया, यहाँ पे तोरण टांग दिए हैं, देखिए ये लोग को देख रहे हैं अभी, मतलब पंडित जी आने में टाइम है तो ये लोग सोए हैं, आराम फरमा रहे हैं, ये तो ज्यादा बच्चा बन जाते हैं, नहीं देख रहे, मोबाइल से छुपा रहे खुद को, देखिए देखिए कैसे छुप रहे, देख रहे हैं कैसे नोटा, सबको चलिए हैप्पी होली बोलिए, चलिए देख रहे कैसे करते हैं, चले सबको हैप्पी होली बोली, बेकार चश्मा उश्मा गिर जाए क्या करूँ फैमिली में, वो एकदम ब्लॉग में आना ही नहीं चाहते हैं, इन्हीं की वजह से मुझे बैड कमेंट आता है कि नहीं आते हैं ब्लॉग में, लेकिन वो समझने ही नहीं चाहते, तो मैं क्या करूँ, बहुत मुश्किल से मैं उन्हें लाती हूँ ब्लॉग में, बोलते हैं मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है, तुम्हें अच्छा लगता है तुम करो, बस यही रीज़न है। खैर कोई बात नहीं, अभी पंडित जी आएंगे थोड़ी देरी में, और आज तो बहुत हालत मेरी ख़राब होने वाली है, मैं समझ गई हूँ, क्योंकि 2 बजने वाले हैं और अभी फिर पूजा होते तो 4 बज जाएगी, 4 बज के फिर उधर शाम का खाना, फिर उधर होली की तैयारी, गुजिया बनाओ, दही बड़ा बनाओ, बहुत परेशान होने वाली हूँ आज। और इधर देखिए अच्छे से पूजा रूम को भी मैंने सेट कर दिया है, और यहाँ भी सारा कचरा था सबको हटा दी हूँ, नीचे डब्बा वगैरह भी सारा कुछ देखिए बहुत ख़राब दिख रहा था यहाँ पर, तो अभी अच्छा लग रहा है, ऊपर वगैरह सारा कुछ मैंने झाड़ा हुआ है, और नीचे भी अलग से कपड़ा बिछा दी हूँ आसन पे, तो घर अभी बहुत अच्छा साफ सुथरा सा लग रहा, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा, पहले से तो बहुत ही साफ सुथरा लग रहा है, तो बहुत जाले पड़े हुए थे, महालक्ष्मी ओम दुर्गाई स्वाहम दुर्गाई, ओम चंडिकाई स्वाहम चंडिकाई, ओम चंडिकाई स्वाहम चंडिकाई, ओम सरलाई स्वाहम हिम सरलाई, ओम पंचोदय स्वाहम इदम पंचोदय, ओम महापुत्र स्वाहा महापुत्र, ओम वस्त्रबल स्वाहा वस्त्रबल, ओम पंचोदय, ओम दक्षिणकर्ग स्वाहा, ओम समकर्ग स्वाहम समकर्ग, ओम आकर्षण देवी स्वाहा आकर्षणी, ओम मनुष्य स्वाहा मनुष्य, कर छुई प्रणाम की, प्रणाम करो ऐसी, पंडित जी को प्रणाम करो, देखिए हमारे महादेव जी यहाँ बैठे हैं पूजा समाप्त होके, और हमारे बिटिया रानी इधर है। तो फैमिली यहाँ पे हमारा पूजा समाप्त हो गया है, पंडित जी जा चुके हैं, और करते करते अभी 3 बजने को है, अभी प्रसाद वगैरह सभी को दूंगी, मम्मी पापा सभी को, और उसके बाद में फिर मुझे तैयारी करना है कल के लिए, गुजिया उजिया बनाना है, और इससे अच्छा शुभ दिन तो और कुछ हो ही नहीं सकता, पूर्णिमा भी है और होलिका दहन भी है,
तो बहुत लोग 6 तारीख को होलिका दहन के कैलेंडर के हिसाब से, लेकिन 6 तारीख को हमारे इधर नहीं किया गया, 7 तारीख को पूर्णिमा का दिन किया जाएगा। तो इससे अच्छा शुभ और क्या हो सकता है। और सब बस यही दुआ है भगवान से, सबकी अच्छी अच्छी होली बीते, खुशहाली रहे सबकी लाइफ में और सबकी अच्छी अच्छी विशेष पूरी हो। तभी जाती हूँ मैं, प्रसाद वगैरह बनाती हूँ, सभी को बांटती हूँ, मैं भी खाती हूँ। आज मेरा हस्बैंड जी का तो फास्ट है फिलहाल, हम सिर्फ मीठा चीज़ खाएंगे, तो जो हलवा पूड़ी बनाए हैं वही हम खा लेंगे। और वापस आप सभी को फिर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ, जैसे अगर आएगी तो चलिए आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं।